हेलो दोस्तों, यार मोबाइल रिपेयरिंग चैनल पर आप सभी लोग को फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखा नजर रहा हूँ मैं, दोस्तों थंबनेल पर देख के पता चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है मेरा। दोस्तों आज जो एक बहुत एक अच्छा टूल लेके आया हूँ मैं, दोस्तों जिन लोग मोबाइल रिपेयरिंग या तो मोबाइल फ्लैशिंग काम कर रहा है इन लोग के लिए बहुत एक अच्छा हेल्पफुल टूल लेके आया हूँ मैं। दोस्तों इस टूल का मदद से बहुत सैमसंग मोबाइल का अनलॉक कर सकते हो या तो मोबाइल फुल फ्लैश कर सकते हो, और हवाई या HTC का जो फ़ोन है वो ये भी फ्लैश और या तो अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों इस टूल का मदद से बहुत एक अच्छा न्यू अपडेट होकर आया एक टूल। दोस्तों ये टूल किस तरह काम करना है इस टूल का अंदर और किस तरह इस टूल डाउनलोड और इंस्टॉल करना है ये सब देखने के लिए मेरा साथ बने रहिए और वीडियो पूरे लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल के लिए नया आया है तो इस लाल रंग का बटन पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटा है इसे भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले मेरा वीडियो का नीचे एक लिंक मिल जाएगा, इस लिंक का ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट इस टूल डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद इस तरह देखने को मिलेगा मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया। तो दोस्तों ये जो क्रैक टूल है वो मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, मैंने तो क्रैक बनाता हूँ नहीं मैं। और ये सबसे पहले GSM आसिफ खान करके यूट्यूब पर एक चैनल है, उन्होंने ये वीडियो बना के अपलोड किया, इसलिए मैं भी एक वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, सब लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत एक अच्छा टूल है इसलिए। तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह देखने को मिलेगा, इसको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने का टाइम एक पासवर्ड मांगेगा, ये पासवर्ड भी साथ में दे दिया है GSM आसिफ खान करके, तो ये पासवर्ड यहाँ पर डाल के ओके पर क्लिक कर देना है, ये अनजिप हो जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा MB का सेटअप भी नहीं है, बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इसको ओपन पर क्लिक करके इसको रन कर देना है। रन करने का टाइम दोस्तों आपका जो कंप्यूटर पर नेट कनेक्ट रखना होगा और एंटीवायरस डिसेबल कर देना होगा, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने का टाइम जो आपका कंप्यूटर पर जो एंटीवायरस है वो खा लेता है, उड़ा देता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका कंप्यूटर पर एंटीवायरस है तो डिसेबल कर लीजिए। तो उसके बाद इसको ओपे कर देना है, उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है, और फिर यहाँ पर ये जो पासवर्ड है वो डाल देना है, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे ब्राउज करके कहाँ पर ये सेटअप इंस्टॉल करके रख सकते हो ये देख लीजिए। तो मैं सी ड्राइव पर रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको टिक मार्क लगा देना है, क्योंकि शॉर्टकट जो आइकन है वो डायरेक्ट आपका डेस्कटॉप पर आ जाएगा। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है, फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद इस तरह देखने को मिलेगा, तो फिनिश हो चुका है। इसके बाद ये जो दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं दोनों बॉक्स को अनटिक करके फिनिश पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पूरे इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर इस तरह देखने को मिलेगा इंस्टॉल होने के बाद। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके ओपन दे देना है। उसके बाद इसको यस कर देना है और आपका जो टूल है और रन हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत एक अच्छा टूल है, फ्लैश करने के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा। दोस्तों जिन लोग मोबाइल फ्लैशिंग कर रहा है तो दोस्तों इन लोग के लिए बहुत एक अच्छा ये टूल है। दोस्तों अगर आपका पास ये टूल नहीं है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, ये बहुत अच्छा होगा, फ्लैश करने का टाइम एरर नहीं आएगा दोस्तों, और बहुत आसानी से गूगल FRP लोग भी अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए वो लोड ले रहा है, अभी ओपन हो चुका है। तो ओपन होने का बाद इस तरह देखने को मिलेगा, तो इसका अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, देख सकते हो। सबसे पहले सैमसंग हवाइया का है ये देख लीजिए, तो सैमसंग का दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख लीजिए ये जो रिपेयर पर जाके देख सकते हो आपका जो FRP रीसेट कर सकते हो और रिकवरी कर सकते हो, ये IMEI भी रिपेयर कर सकते हो, ये अनलॉक पर देख सकते हो, रिमूव स्क्रीन लॉक, रिमूव स्क्रीन सिस्टम लॉक इस तरह रिमूव कर सकते हो, उसके बाद रिमूव स्क्रीन इस तरह कर सकते हो, बहुत एक अच्छा टूल है। और यहाँ पे देख लीजिए बैकअप, और ये देख लीजिए फ्लैश, आप रिकवरी मोड पर फ्लैश कर सकते हो और रिपेयर भी कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो गूगल FRP। यहाँ पे देख लीजिए
ये अनलॉक पर जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए एफआरपी करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये इस एफआरपी पर क्लिक करके रीसेट एफआरपी कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए रीसेट एफआरपी कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत आसानी से आपका जो एफआरपी है वो रीसेट हो जाएगा इस टूल का मदद से। और मोबाइल फ्लैश भी कर सकते हो, रिकवरी मोड पर, फास्ट बूट मोड पर पावर ऑफ कर सकते हो, रीड इन्फो कर सकते हो, बूट लोडर यहाँ पर देख लीजिए रीबूट कर सकते हो इस टूल का मदद से। और यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे मॉडल दिया हुआ है। और देख लीजिए यहाँ पर भी बहुत कुछ दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए फिक्स सिस्टम यूआई दिखाई दे रहा है, इसको फिक्स कर सकते हो और इसको फ्लैश भी कर सकते हो। दोस्तों इस टूल बहुत अच्छा काम करता है, तो आपका कंप्यूटर पर नहीं है तो ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत कुछ है तो मैं सब नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत कुछ है देख सकते हो और अनलॉक फ्लैश कर सकते हो इस टूल का मदद से। दोस्तों मेरे वीडियो देख के थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कीजिए, क्योंकि मैं और इस तरह वीडियो लेता रहूँ अगर आप सब लोग को मिल जाए तो। आज के लिए वीडियो इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।